नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी ललन टॉक की पड़ताल। दावा क्या है? सोशल मीडिया पर एनडीटीवी न्यूज चैनल का एक स्क्रीनशॉट वायरल है। वायरल स्क्रीनशॉट में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चलते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह रेड कारपेट पर चल रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति उनके साथ में कारपेट से नीचे चल रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स इसे राष्ट्रपति का अपमान बताते हुए शेयर कर रहे हैं। फेसबुक यूजर राजेश चौधरी ने वायरल स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए लिखा, राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल अधिकारी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। यह आदमी भारत का राष्ट्राध्यक्ष है, रेड कार्पेट अपने पालनहार के लिए छोड़ दिया है। यह व्यक्ति का नहीं संस्था का अपमान है। रामनाथ कोविंद जी शर्मनाक, आप देश के राष्ट्रपति हैं, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं। ट्विटर यूजर लोकेंद्र वर्मा ने भी वायरल स्क्रीनशॉट ट्वीट करते हुए यही दावा किया है। इसी तरह के तमाम दावे सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। अब बारी है पड़ताल की। दी ललन टॉप ने वायरल दावे की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में राष्ट्रपति और गृहमंत्री की तस्वीर के साथ किया जा रहा दावा भ्रामक निकला। वायरल स्क्रीनशॉट सरदार वल्लभ भाई स्पोर्ट्स एनक्लेव के भूमि पूजन के दौरान का है। ओरिजिनल वीडियो देखने पर हमें पता चला कि भूमि पूजन के बाद मंच पर जाने के दौरान कुछ सेकेंड्स के लिए अमित शाह रेड कार्पेट पर आ जाते हैं और राष्ट्रपति रेड कार्पेट से नीचे चलने लगते हैं। वीडियो गौर से देखने पर लगता है कि ऐसा सिर्फ संयोगवश हुआ है। कुछ कीवर्ड्स की मदद से सर्च करने पर हमें एनडीटीवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वायरल स्क्रीनशॉट का ओरिजिनल वीडियो भी मिला। 33 मिनट 21 सेकंड के इस वीडियो में 3 मिनट 5 सेकंड पर देखा जा सकता है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गृहमंत्री अमित शाह के साथ रेड कार्पेट पर चलते नजर आ रहे हैं। कुछ ही सेकंड्स में दोनों नेता दाईं ओर मुड़ते हैं। इस तरफ रेड कार्पेट थोड़ा कम चौड़ा नजर आ रहा है। इसके बाद 3:11 पर आप वो तस्वीर देख सकते हैं जिसका स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। इसके बाद चलते हुए राष्ट्रपति भी रेड कार्पेट पर आ जाते हैं। हमें यही वीडियो इंडिया टुडे के यूट्यूब चैनल पर भी मिला। 13:01 लंबे इस वीडियो को 4:51 से लेकर 5:21 तक देखने पर आपको वायरल स्क्रीनशॉट की पूरी सच्चाई समझ में आती है। भूमि पूजन के बाद मंच की ओर जाने के क्रम में कुछ सेकंड्स के लिए राष्ट्रपति रेड कारपेट से नीचे चलने लगते हैं और इसी दौरान गृहमंत्री अमित शाह रेड कारपेट पर चलते नजर आते हैं। ये महज संयोगवश प्रतीत होता है। क्या है सरकारी प्रोटोकॉल, अभी जान लेते हैं। कीवर्ड्स की मदद से सर्च करने पर हमें गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर राष्ट्रपति से मान्यता प्राप्त एक सूची मिली। 26 जुलाई 1989 को जारी सूची में पद के आधार पर प्रोटोकॉल में किसे किसके बाद प्रमुखता दी जाएगी इसका पूरा ब्यौरा है। 26 क्रम संख्या की इस सूची में पहले नंबर पर राष्ट्रपति, दूसरे पर उपराष्ट्रपति, तीसरे पर प्रधानमंत्री, चौथे पर राज्यपाल अपने राज्यों में, पांचवें पर पूर्व राष्ट्रपति हैं। इसी क्रम में 5A पर उप प्रधानमंत्री, 6 नंबर पर चीफ जस्टिस और लोकसभा स्पीकर हैं और 7 नंबर पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों में, योजना आयोग अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री और लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। इसके बाद इस सूची में भारत रत्न से सम्मानित अलग अलग देशों के राजदूत और उच्चायुक्त, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, राज्य सरकार के मंत्री आदि हैं। लगे हाथ रेड कारपेट का इतिहास भी जान लीजिए। अगर हम रेड कारपेट की बात करें तो इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका इतिहास 458 BC में ग्रीक देश के एक नाटक से जुड़ा हुआ है। मौजूदा दस्तावेजों के मुताबिक पहली बार रेड कारपेट का इस्तेमाल 1821 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जेम्स मुनरो के लिए किया गया था। भारत में पहली बार इसका इस्तेमाल लाल किले में किया गया था। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन राजा जॉर्ज वी के स्वागत में रेड कारपेट लगवाया था। तो नतीजा क्या निकला? हमारी पड़ताल में राष्ट्रपति और गृहमंत्री की तस्वीर के साथ किया जा रहा दावा भ्रामक निकला। ओरिजिनल वीडियो से एक स्क्रीनशॉट लेकर यह दिखाया जा रहा है कि गृहमंत्री अमित शाह रेड कारपेट पर चल रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रेड कारपेट से नीचे चल रहे हैं। पूरा वीडियो देखने पर हमें पता चला कि चलने के दौरान कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा संयोगवश हुआ था। आपके लिए पड़ताल की थी हमारे साथियों ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।